इस मूवी का नाम है ब्रेड 2018। फिल्म की शुरुआत दो लड़कियों को दिखाने से होती है जो एक कमरे में बैठकर नशे वाली पैकेट्स गिन रही थी और ये हिसाब किताब कर रही होती है कि इनके कितने पैसे बनेंगे, क्योंकि वो दोनों एक काफी बड़े ड्रग माफिया के लिए काम करती है। उनमें से एक का नाम टिंडा था। उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। अपना काम करने के बाद ये लेट गई थी आराम करने के लिए, फिर तस्वीरें बनाने लगती है। पर तभी इनके दरवाजे पर दस्तक होती है क्योंकि पुलिस आ गई थी, जिस वजह से दोनों काफी घबरा गई थी। बचने के लिए खिड़की से बाहर आती है और फिर यहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह शहर छोड़ने के लिए वो ट्रेन में बैठ जाती है ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ कर गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि नशा बेचने की वजह से उनका नाम क्रिमिनल्स यानी मुजरिमों की लिस्ट में टॉप पर सबसे ऊपर आ गया था। ट्रेन में ही टिंडा की दोस्त वॉशरूम में जाती है और अपने बॉस को कॉल करके बताती है कि कल रात जब हम काम कर रही थी तो हम पर पुलिस का हमला हो गया, हमें भागना पड़ा और सारा माल वही रह गया जो तकरीबन $80,000 के आस पास का था। वो बात कर ही रही थी कि तभी बाहर से कोई दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। दरवाजा खोलने पर वहाँ ट्रेन में कंडक्टर था जो उसे टिकट मांगता है, पर क्योंकि जल्दी जल्दी उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी तो टिकट उसके पास नहीं थी, जिस वजह से वो कंडक्टर को अंदर खींचकर उसका मुंह बंद कर दी थी। ट्रेन से उतरने के बाद जब वो सड़क पर से गुजर रही थी तो सामने बैठा भिखारी उन्हें गालियां देकर कहता है कि ये दोनों तो पागल और डायने हैं। दोनों को गुस्सा आता है पर वो सोच में पड़ जाती है कि भला ये हमें ऐसा क्यों कह रहा है। फिर तभी उनके पास बॉस की कॉल आती है जो कहता है कि तुम्हारे पास अब 48 घंटों का टाइम है मेरे पैसे वापस लौटाने के लिए। जो नशा वो उस कमरे में ही छुड़ाई थी जिसके पैसे $80,000 अभी नहीं देने होंगे, जिसके लिए वो अपने बचपन की दोस्त एफनी के घर जा रही थी जो काफी अमीर थी। बॉस की बड़ी हवेली में वो अकेली ही रहती थी। इनकी दोस्ती उसके साथ भी बहुत अच्छी थी, जिसका सबूत हमें यहाँ उनकी बचपन की कहानी दिखाकर बताया जाता है। वो तीनों जब छोटी थी तो काफी सारे गेम्स खेला करती थी, एक दूसरे के साथ बहुत खुश होती थी और उन्हीं में से एक गेम जो उन सबकी पसंदीदा थी उसका नाम डॉक्टर डॉक्टर था। जिस गेम को खेलने के लिए तीन असूल थे, पहला कि हर कोई उस गेम को पूरी दिलचस्पी के साथ खेलेगा यानी गेम में खो जाएगा, दूसरा असूल इन तीनों के अलावा बाहर का कोई भी इंसान गेम में नहीं खेल सकता, और आखिरी असूल कोई भी गेम को बीच में नहीं छोड़ेगा, जो जाहिर है ये इधर ही रहेंगे, इस घर से तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि गेम खत्म नहीं हो जाती। फिर टिंडा एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर घर के अंदर चली जाती है। घर में डेफनी उसके लिए खाना बना रही थी। आते ही टिंडा उसे मोम कह के पुकारती है और वो उसे माँ क्यों कह रही थी, उसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल बचपन में जब वो डॉक्टर डॉक्टर गेम खेल रही थी तो उस गेम को बार बार खेलने से टिंडा बोर हो गई थी, कोई और गेम खेलने का कहती है, लेकिन क्योंकि गेम को बीच में ही नहीं छोड़ सकती थी तो मजबूरन उन्हें ये खेलनी ही पड़ती है। असल में डॉक्टर गेम कुछ यूं थी कि उनमें से एक डॉक्टर बनेगी जबकि बाकी की दोनों माँ और बेटी। डेफनी बनती है माँ जबकि टिंडा की दूसरी दोस्त डॉक्टर बनती है, लेकिन अब टिंडा को अपना बेटी वाला रोल पसंद नहीं आता क्योंकि वो डेफनी को अपनी माँ बनाना पसंद नहीं कर रही थी, जिस दौरान इनकी बहस हो जाती है जो हत्थापाई में बदल गई। वो ये गेम पेड़ के ऊपर बने एक छोटे से घर में बैठकर खेल रही थी तो हत्थापाई की वजह से डेफनी नीचे गिर जाती है और फौरन बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर बताती है कि इसके दिमाग में गहरी चोट आई है, जिस वजह से हो सकता है कि इसका दिमाग ठीक से काम न करे, मतलब ज़हनी तवाज़ुन खराब भी हो सकता है। जिसके बाद कहानी वापस मौजूदा वक्त में आती है और गेम के मुताबिक डिंडा डेफनी को मोम कह रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि दिमाग में चोट लगने की वजह से डेफनी का ज़हनी तवाज़ुन सच में काफी खराब हो गया है, क्योंकि अब वो इस बचपन की गेम को सच मानने लगी थी। यही वजह है कि वो टिंडा को अपनी बेटी मानती है, उसके लिए खाना बनाती है। अब हालांकि वो काफी अरसे के बाद मिली थी, पर डेफनी को लगता है कि वो अभी अभी स्कूल जाके आई है। डेफनी की माँ होने के असूल काफी सख्त थी। वो जैसी टिंडा के बड़े बड़े नाखून देखती है तो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कितने गंदे नाखून है, काटो इन्हें फौरन। पर जब टिंडा नहीं काटती तो वो खुद ही कैंची लेकर काटने लगती है, लेकिन ठीक इसी वक्त कोई दरवाजे की बेल बजा देता है जो इनकी दोस्त थी जो डॉक्टर का रोल कर रही थी। अब भी वो एक डॉक्टर बनती है, उनके घर में आती है। डेफनी यहाँ उसे बताती है कि मेरी बेटी को बहुत खांसी हो रही है, डॉक्टर साहिबा जरा देखिएगा क्यों खांसी ठीक नहीं हो रही। जिस पर डॉक्टर उसका चेकअप करती है और इलाज करते हुए उसके घुटने पर एक हथौड़ी मारती है जिससे उसे काफी दर्द हुई, वो जोर से चिल्लाती है। अब टिंडा और उसकी दोस्त ये अजीब हरकतें इस वजह से कर रही थी, मतलब गेम खेलने पर मजबूर वो इसलिए थी क्योंकि इसके पीछे वजह थी। असल में डेफनी के घर में एक ऐसी खुफिया तिजोरी है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं, तकरीबन लाखों डॉलर्स। पर क्योंकि डेफनी का ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक नहीं है तो पैसों की उसे कदर नहीं है न ही जरूरत, और क्योंकि टिंडा और उसकी दोस्त को अगले 48 घंटों में $80,000 का इंतजाम करना था, इसीलिए दोनों यहाँ उस तिजोरी से पैसे लूटने के इरादे से आई थी। उसके साथ गेम खेलकर बेटी और डॉक्टर का रोल खेलेंगे ताकि डेफनी को शक न हो, ताकि थोड़े वक्त और यहाँ रुकी वो अपना मिशन पूरा करने चोरी करके भाग जाए। अब डेफनी डॉक्टर के लिए भी खाना बनाती है, साथ ही खाने के टेबल पर वो टिंडा को बांध देती है ताकि बाकी बच्चों की तरह वो खाना छोड़ के ना भाग जाए। और अब इनके पास 41 घंटे बचे थे। डेफनी डॉक्टर को कहती है कि आप काफी थक गई होंगी, चलिए आप जाके आराम करें, आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। फिर आधी रात को टिंडा की दोस्त इन्हें डॉक्टर आराम कर रही थी तो तभी एक आवाज से उसकी आँख खुल जाती है क्योंकि कोई उसके दरवाजे की कुंडी घुमाता है। उसे लगता है कि टिंडा होगी, इसलिए वो उठ के बाहर आती है, जहाँ टिंडा नहीं डेफनी थी, जो उसे कहती है डॉक्टर मुझे अकेली नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है, आपके साथ मुझे महफूज लगेगा।
देगा। मैं यही सोना चाहती हूँ, पर वो उसे चाकू दिखाकर यही रुक जाती है। फिर अगली सुबह टिल्डा खत्म वाले बॉक्स के पास अपना मोबाइल चेक कर रही होती है, जहाँ तभी उसकी दोस्त आती है। गुस्से में टिल्डा उसे कहती है कि जल्दी करो, निकलो यहाँ से, मैं इस पागल डेफनी के साथ रह रहे परेशान हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई पैसे हमें मिलेंगी। डेफनी ने सारे पैसों को बैंक में रखवा दिया होगा। उसकी दोस्त बोलती है, मुझे नहीं लगता, हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए तिजोरी तोड़ने के लिए। हो सकता है पैसे हमें मिल ही जाए। और अब उनके पास सिर्फ 28 घंटे बची थी। टिल्डा की दोस्त अंदर जाती तिजोरी तोड़ने लगती है, जिस बीच एक अलमारी से बाहर आकर डेफनी उस पर हमला कर देती है और फिर हाथ पर भी काट लेती है, जिससे वो काफी डर गई थी। फौरन वहाँ से भागकर गाड़ी की चाबियां लेती है और घर से बाहर आ जाती है। बाहर टिल्डा थी, जिससे वो कहती है कि डेफनी ने पागलपन की हद ही पार कर दी है, चलो यहाँ से। इससे पहले वो यहाँ से जाते यहाँ डंडा लेकर डेफनी आ जाती है, दोनों के सरों पर जोर जोर से मारकर बेहोश कर देती है। अब हम एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो तैयार होकर घर से निकलता है, गाड़ी में बैठकर अपने काम पर निकल जाता है। उसे टिंडा और उसकी दोस्त के नशे वाले केस पर छानबीन करने का काम मिलता है। उधर डेफनी ने टिंडा और उसकी दोस्त को बांध दिया था रस्सियों के जरिए नहीं, बल्कि ब्रेड्स, इन्हीं बालों वाली चोटियों से, हाथ भी, मुंह भी, जिस्म भी, सब उन्हें से बांधा हुआ था। डेफनी पूरी तरह पागल होकर उन दोनों से बात कर रही थी। ठीक इसी वक्त दरवाजे पर कोई आता है। डेफनी जाके चेक करती है तो वहाँ डिटेक्टिव था। वो उसे बताता है कि आपकी पड़ोसियों ने शिकायत की है कि आधी रात को आपके घर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सर डेफनी कहती है, मैं इस पूरे घर में अकेली रहती हूँ, शायद एक दो बार डर की वजह से मार दी होगी चीख मैंने। वो फिर अंदर आता है छानबीन करने के लिए, घर का सामान चेक करने लगता है, जहाँ उसे इन तीनों की बचपन की तस्वीर मिलती है। जो देखकर डिटेक्टिव उसे पूछता है कि मैं इन दोनों लड़कियों को जानता हूँ, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त ये दोनों कहाँ होंगी। डेफनी जवाब देती है, जी नहीं, मुझे इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। अब डिटेक्टिव इन तीनों को इसलिए जानता था क्योंकि बचपन में जब डेफनी गिरी थी तो उस हादसे में डिटेक्टिव ने पूछताछ की थी। वो उनकी गहरी दोस्ती के बारे में भी जानता था, इसीलिए वो दोबारा पूछता है कि ठीक से याद करके बताए वो कहाँ मिल सकती है, क्योंकि उसे शक था कि हो ना हो वो दोनों लड़कियाँ इसी घर में ही है। जिस बात से डेफनी को गुस्सा आ गया था, और वो अपने मुँह से ये निकाल देती है कि वो दोनों गायब है, जिसे डिटेक्टिव का शक यकीन में बदल जाता है कि वो इधर ही है। ठीक इसी वक्त अचानक ऊपर से आवाज आती है, तब वो चेक करने ऊपर जाने लगता है, लेकिन डेफनी उसे रोक देती है, कहती है कि आप मेरे घर की तलाशी नहीं दे सकती, इसे पहले अपना लाइसेंस दिखाएं। लेकिन फिलहाल क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था तो वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते वो कहते हैं कि अगर वो दोनों लड़कियाँ इस घर में है तो मैं लाइसेंस के साथ वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि वो सच में गायब है और उनका नाम क्रिमिनल्स वाली लिस्ट में टॉप पर है। ये सुनकर डेफनी ऊपर जाती है और घर के सभी दरवाजों को मजबूती से बंद करने लगती है, ताकि दोनों को पुलिस से बचा सके। अब उन दोनों ने खुद को आजाद कर लिया था, इसलिए एक बार फिर तिजोरी ढूंढने लगती है, जिसके बाद डेफनी टेबल पर खाना लगाती है। वो टिल्डा की दोस्त को कहती है, मैं जानती हूँ तुम किस मकसद के लिए यहाँ आई हो, जो काम तुम करना चाहती हो उसके लिए कुछ पहेलियाँ, कुछ छुपे हुए कोड्स हैं जिन्हें जहन में रख के तुम्हें इस हवेली में आगे बढ़ना होगा। एक जगह ऐसी है जहाँ मेरी डॉल्स पड़ी है, फिर आगे बढ़ के एक शीशा तुम्हें दिखेगा जो तुमसे कुछ बोल रहा होगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा, और जब तुम उस कीमती चीज नंबरों को तोड़ोगी तो कब्र फौरन खुल जाएगी और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा, तुम वो हासिल कर लोगी। अब टिल्डा की दोस्त को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या क्या बोले जा रही है। तब टिल्डा अपने दोस्त को साइड में ले जाके बोलती है कि ये एक पहेली है, जिसे इशारों में वो समझा रही है, जो तिजोरी तक पहुँचने का रास्ता है। नंबर्स वो तिजोरी के कोर्स को कह रही है और कब्र तिजोरी को, तो अब जल्दी से तिजोरी ढूंढने में लग जाओ। अब वो पहली पहेली इन डॉल्स वाली बात को जहन में रखकर आगे बढ़ती है। डॉल्स की मूर्ति के नीचे उसे एक कोड मिलता है, जिसका इशारा हॉल में जाने की तरफ था। वो भागकर अब जैसे हॉल में आती है तो उसे वहाँ शीशे पर एक और कोड मिलता है। शीशा वो जैसे ही हटाती है तो एक पेंटिंग के पीछे उसे तिजोरी मिल ही जाती है, जिसके बाद वो उन सभी कोड्स को नंबर में बदल कर तिजोरी पर लगाती है, जिससे आखिरकार वो खुल ही जाती है, जिसके अंदर सच में बहुत ज्यादा पैसे थे। सभी पैसों को बैग में भर के वो टिंडा के पास आती है और कहती है कि मुझे पैसे मिल गए हैं, हम आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। फिर रात होते ही दोनों लैंप्स लेकर यहाँ से निकल जाती है। सड़क पर आकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है, पर कोई भी उनके लिए गाड़ी नहीं रोकता। और फिर तभी एक तेज स्पीड में आती हुई गाड़ी टिल्डा की दोस्त से आकर टकरा जाती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि डेफनी थी, जो अब दोबारा से उन दोनों को अपने घर ले आती है, जहाँ अब उसने दोनों को कुर्सियों के साथ बांध दिया था। इस सब की वजह से टिल्डा की दोस्त दुखी थी, जो देखकर डेफनी चाकू लेती है और उसके चेहरे पर कट लगा के स्माइल वाला निशान बना देती है, ताकि वो उसे मुस्कुराता हुआ देख सके। अब वो भिखारी जो दोनों को गालियां दे रहा था पुलिस स्टेशन आकर बताता है कि मैंने उन दोनों गायब को रेलवे स्टेशन पर देखा था। डेफनी उन दोनों पर काफी जुल्म करने, उनका हुलिया बिगाड़ने की बात कहती है कि अब अगर तुम चाहो तो गेम को छोड़ के जा सकती हो। साथ ही वो अखबार भी देती है, जिस पर उन दोनों के लापता होने और क्रिमिनल्स की लिस्ट में टॉपर होने वाली खबर छपी थी, जो देख दोनों काफी डर भी गई थी और हैरान भी थी कि यहाँ से बाहर निकली तो पकड़े जाएंगे। पर अब डेफनी उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाने का कहती है कि मैं तुम्हें अब एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत जल्द मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। टिल्डा हैरत से पूछती है, कैसा बच्चा, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई थी। तब वो बोलती है कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई, वो दरअसल
शादी मेरी हो गई थी। जो सुनकर टिंडा जोर जोर से हंसने लगती है कि भला इस पागल से किसने शादी कर ली। पर उसकी दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन उठ खड़ी हुई क्योंकि वो डेफनी के पागलपन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचती है। बोलती है, सुनो मेरी बात डेफनी, अगर तुम्हारा बच्चा होने वाला है तो तुम्हें फौरन अभी की अभी सर्जरी की जरूरत है। जिसके लिए वो भी मान जाती है और ये दोनों भी उसी ने डा देती है सर्जरी के बहाने जान से मारने के लिए। उन्होंने ऑपरेशन वाले सारे औजार भी ले लिए थे, साथ ही सर्जन वाले कपड़े भी पहन लिए थे। और अब जैसे वो औजार से उस पर वार करने वाली थी कि तभी यह डिटेक्टिव आ जाता है, जिनके गन पॉइंट करके पीछे हटाता है और नीचे बैठने का कहता है। वो जब दोनों के पास जाता है तो डेफनी उठ खड़ी होती है और डिटेक्टिव के पेट में चाकू घुसा देती है। जख्मी होकर वो जैसे ही नीचे गिरता है, ये तीनों टांगों से मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। फिर उसकी लाश को एक ओवर में पैक करके बाहर जमीन खोद कर वहाँ गाड़ देती है। सबूत मिटाने के लिए उसकी गाड़ी को तालाब में फेंक देती है। जिसके बाद वो तीनों एक ही जैसे कपड़े पहन के खाने के टेबल पर बैठ जाती है। काफी खुश लग रही थी और मजे से अपना खाना एंजॉय करने लगती है। अगली सुबह जब किसी काम से टिंडा की दोस्त बाहर आती है तो उसे वहाँ डिटेक्टिव दिखता है, जिसकी हालत काफी खराब थी। खून में लथपथ था, डरावना लग रहा था। टिंडा की दोस्त पर हमला कर देता है, पर वो काफी घबरा जाती है ये सोचकर कि हमने तो उसे जमीन में गाड़ दिया था तो फिर ये बाहर कैसे आया। फिर तभी इधर टिंडा और डेफनी भी आ जाती है जो उसे अंदर आने का देती है। अब टिंडा की दोस्त को खतों वाले बॉक्स से एक छन्ना मिलता है जिसे उन्होंने डिटेक्टिव की लाश के साथ ही दफन कर दिया था। ये देखकर वो कब्र खोदती है पर उसी वहाँ डिटेक्टिव की लाश नहीं मिलती, जो देख वो काफी डर भी गई थी और परेशान हो गई थी। फौरन हवेली के अंदर आती है, बेड के नीचे से उसे काफी पुरानी डायरी मिलती है जिसके अंदर उनके नशे वाले केस और डिटेक्टिव की मौत के बारे में पहले से लिखा हुआ था, जो देखकर उसकी होश उड़ जाती है। तभी इधर डेफनी आती है जिसे बता रही थी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इस डायरी में बहुत पहले का ही लिखा हुआ है। टिंडा की दोस्त को अभी भी समझ नहीं आती कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब डेफनी उसे अपना बाजू देखने को कहती है और जब वो अपनी बाजू को चेक करती है तो उस पर बहुत सारे किसी के काटने के निशान थे। तब डेफनी बताती है कि तुम्हारे बाजू पर जितने भी निशान है इतनी ही बार तुम यहाँ पर आई हो, जिससे यहाँ ये खुलासा होता है कि सिर्फ डेफनी ही नहीं बल्कि टिंडा और उसके दोस्त का भी ज़हनी तवाज़ुन खराब है। इतना खराब कि उन्हें पागल कह सकती है। और शुरू से अब तक जो कुछ भी हुआ है सब एक गेम का हिस्सा है, जो गेम सालों से इस हवेली में चलती आ रही है। तिजोरी ढूंढते हुए डेफनी ने टिंडा की दोस्त के हाथ पर जो काटा था वो उसका पहला राउंड था और इसी तरह फिर बार बार गेम उसी राउंड की तरह ही चलती रही। जब भी तो उसके हाथ पर इतने सारे काटने के निशान थे और टिंडा की दोस्त को कब्र खोदने पर डिटेक्टिव की लाश इसीलिए नहीं मिली क्योंकि हकीकत में वो डिटेक्टिव था ही नहीं। वो तो बस तीनों लड़कियों के दिमाग में बनाया गया उनकी गेम का एक कैरेक्टर है। उसकी तरह ही ना कोई डिटेक्टिव की गाड़ी थी, ना ट्रेन थी, ना भिखारी हवेली तिजोरी, कुछ भी नहीं था, बल्कि वो बस उनके खिलौने वाले रोल्स थे जो सारे के सारे इन पागल लड़कियों ने खुद ही बनाए थे। खिलौनों की पूरी दुनिया बनाई गई थी जिन्हें हकीकत इन्होंने अपने दिमाग में ही सोच लिया था। असल में ये तीनों लड़कियां टुकड़े की बनाए हुए एक टेंट में बैठी है। सब कुछ टेंट में उन्होंने इसलिए सोच लिया क्योंकि उनके मुताबिक बाहर की दुनिया बेकार है। और अब हमें दोबारा से एक बुरी औरत दिखाई जाती है जो कि डेफनी थी और बाहर से टिंडा पहले की तरह स्कूल से वापस आती है, पर अब वो दोनों काफी बूढ़ी हो चुकी है।